एवरीवन, कहो कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइज, मैं सावर दे रही हूँ और अब मैं करूँगी फेस वॉश। और फेस वॉश के लिए जो मैं यूज कर रही हूँ वो है मामा अर्थ का विटामिन सी फेस वॉश। और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है टर्मरिक एंड विटामिन सी, जो हमारे स्किन को इल्यूमिनेट करता है। तो मैं इसे काफ़ी दिनों से यूज करती हूँ और विटामिन सी का कोई भी प्रोडक्ट ना स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एंड ये ऑल स्किन टाइप है, तो आप में से कोई भी इसे यूज कर सकता है। और मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री होते हैं, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड होते हैं एंड क्लिनिकली अप्रूव्ड होते हैं। मामा अर्थ के प्रोडक्ट नेचुरल एंड केमिकल फ्री होते हैं। मामा अर्थ ने अपना ऑफिशियल ऐप iOS एंड एंड्रॉयड लॉन्च किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर देना। मामा अर्थ आपके हर ऑर्डर पे एक प्लांट लगाता है और उसको अपने वेबसाइट पे आपके ऑर्डर के साथ लिंक करता है, तो ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे मामा अर्थ की। तो सो गाइज, आप लोगों से जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पे न्यू है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और साइड में दिया हुआ बेल आइकन है ना, उसको प्रेस करके रखना, ताकि फ्यूचर में जितना वीडियो अपलोड करूँ ना, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव है एंड पीटा सर्टिफाइड है। ये जितना प्लास्टिक को यूज करता है उससे कई गुना मिट्टी टन प्लास्टिक को रिसाइकिल करता है। तो मैं अच्छी तरीके से फेस वॉश कर दी हूँ और अब जो मैं क्रीम लगाने जा रही हूँ फेस पे वो है मामा अर्थ का बाय बाय ब्लेमिशेस। और इसके मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है मलबरी एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी। और ये दोनों इंग्रेडिएंट ही हमारे स्किन को अनइवन टोन एंड ब्राइटन अप करता है। तो जब से मैं ये दोनों प्रोडक्ट यूज करने लगी हूँ ना, जो मेरे अनइवन टोन स्किन थे ना, वो तो गायब ही हो गए हैं और मेरे त्वचा काफ़ी खिले खिले लगने लगे हैं। इस प्रोडक्ट को आप मामा अर्थ, अमेजोन, नायका एंड पर्पल से परचेज कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर देना। और अगर मेरे दिए हुए कोड को आप यूज करते हो तो मामा अर्थ के साइड से आपको 20% का ऑफ मिलेगा। बट ये 20% का ऑफ बस मामा अर्थ के साइड से परचेज करने पर ही मिलेगा। मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। सो गाइज, मैं तो फटाफट सावर देके आ गई हूँ, क्योंकि मुझे एक वीडियो शूट करना है, एक वीडियो की एडिटिंग करनी है और बहुत सारे काम है यार। उसके बाद मुझे करना है रेस्ट, तो शायद मैं अब आप लोगों को डायरेक्ट शाम को मिलूंगी। सो गाइज, हो गई है शाम और मैं आ गई हूँ किचन में। और ये देखो आंटी, जितना भी कुछ बिग बास्केट से आया था ना, उसको वॉश करके रख दिया, वहाँ सब्जी को वॉश करके रख दिया है, बर्तन वर्तन सब क्लीन करके चली गई है आंटी, सब मम्मी करा ली और मैं चली गई। जो रेस्ट करने गई तो रेस्ट ही करती रहेगी। तो अभी आई हूँ मैं किचन में, और किचन में अभी मैं पहले तो पतिदेव किसी बात में लगनी पड़ेगी, क्योंकि पतिदेव का जिम का टाइम हो रहा है, तो उनको मुझे ब्रेड और पीनट बटर देना है, उसके बाद ब्लैक कॉफी देना है, उसके बाद कॉफी, और फिर मुझे खुद के लिए चाय बनाना है। पापा आज चाय पी ली है, मम्मी दे दी थी पापा को चाय। आज मैं लंबी लंबी लेट दे दी थी, कभी ये सब काम है, और पापा को मम्मी चाय दे दी थी, ब्रेड व्रेड जो भी देना था दे चुकी थी। और इतना अच्छा वेदर है ना, ये देखो चांद छुपा बादल में, ऐसा ही लग रहा है ना वेदर आज बहुत अच्छा। वहाँ स्टार भी दिख रहा है, मतलब मेरा कैमरा देखो, ये स्टार जो है ना यहाँ, उसको भी कैच कर रहा है, और मून तो दिख ही रहा है, स्टार भी दिख रहा है साथ में। तो शाम हो गई है और काफी अच्छा वेदर है, गर्मी बहुत कम हो गई है आजकल, तो बारिश हो रही है तो गर्मी कम हो गई है। तो चलिए किचन में काम करते हैं, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। और आज तो कुछ खास डिनर बनाना नहीं है, हल्का फुल्का डिनर बनाना है, बस रोटी बनानी है, कुछ खास नहीं बनाना है। और कुछ कपड़े वॉश में लगाना है, ये सब काम है। तो पहले मैं पहले हस्बैंड को दे देती हूँ, क्योंकि उनका टाइम हो जाएगा, तो पहले हस्बैंड को दे दूंगी, फिर मैं चाय पीऊंगी, इसलिए काम कर देते हैं। तो पहले मुझे करनी है हैंड को वॉश, कुछ भी काम करने से पहले हैंड वॉश करो, फिर कुछ काम में लगो। आज मैं जैसे तैसे किचन को छोड़ के चली गई थी, तो अभी मैं इसको साफ करूंगी, उसके बाद कुछ काम करूंगी। महाराज जी, जनाब जी, महाराज जी, जनाब जी, महाराज जी, जनाब जी,
ले लीजिए ले लीजिए, हम नहीं देंगे। कॉफी भी दे दूँ ना? जल्दी जल्दी, लेट हो गया। लेट हो गया एक्चुअली, एक्चुअली ये थोड़ा फटाफट करना होगा, नहीं तो 7:35 हो चुका है। तो ये देखिए बिना शुगर का ब्लैक कॉफी कैसा लगेगा बताइएगा आप लोग भी। तीता तीता करवा तीता जो भी बोलिए। तो कहीं का भी लाइट ऑन नहीं है एक्चुअली। आज हम डे टाइम जो गए ना, डे टाइम के बाद हम इस रूम में आए ही नहीं है, ना मैं आई हूँ ना मम्मी आई है। और देखो ये हालत, उफ माय गॉड, और देखो ये हाल, इतने सारे जो कपड़े हैं ना सभी को मुझे अभी फोल्ड करना है। ये ना सुबह से यहाँ रखा हुआ है बट टाइम नहीं मिला कि बैठ कर इसको फोल्ड करूँ, तो मुझे उस सबको फोल्ड करना है। और बाकी ये देखो हवा इतनी तेज थी कि इसका हाल देखो क्या कर दिया है। माय गॉड इतनी तेज, हे भगवान ये क्या कर रखा है, देखो इतनी तेज हवा थी गेट में, तो ये विंडो जो है वो भी बंद हो गया है, इसको भी गिरा दिया है मम्मी, पूरा ही गिरा दिया है ये तो। ये देखो हाल, विंडो विंडो का भी हाल देखो इसको, बहुत तेज हवा थी। और आज मतलब थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला कि थोड़ा सा विंडो को भी बंद कर दूं, कर्टन लगा दूं, कुछ टाइम ही नहीं मिला। देखो ये भी खुद ही बंद हो गया है, बहुत ही अच्छी हवा रही अभी भी इधर से देखो। अरे माय गॉड क्या हाल कर दिया, ये तो गिर ही जाएगा। हवा थी ना आज, ये भी गिरने वाला था। क्या बोली मम्मी? अरे स्लीपर कहाँ गया मेरा? मम्मी बोल रही है क्या हुआ? पूजा करने के बाद डायरेक्ट किचन भाग के आई हूँ, क्योंकि ना शाम को मैं चाय नहीं पीती हूँ ना, तो मेरे से कोई काम ही नहीं संभलता है। आप लोग भी देखते होंगे, एक सबसे पहले मैं चाय पीती हूँ शाम को, उसके बाद ही कुछ काम करती हूँ। और हाँ आप लोग मुझे बहुत सारे मेरे से न्यू जुड़े हैं और बहुत सारे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर रहे हैं, और जो फॉलो नहीं कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना स्टार्ट कर दो। मैं यहाँ जो है आईडी दे दूँगी, आप लोग जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर 5K पहुँचा दो यार। तो गाइस मैं चाय लेके बैठ गई हूँ, और ये देखो पानी पी रही थी पूरा ही गीला हो गया। ये समर है तो ड्राई हो जाएगा बट बहुत ज्यादा ही गीला हो गया, नहीं होगा तो इसको चेंज करना पड़ेगा। कभी कभार होता है यार किसी, मतलब पानी पियो ना तो ऐसे हो जाता है बोतल, और ये वाली बोतल थी तब ये हाल हो गया। पूरा ही गीला हो गया है, देखती हूँ चाय पी लेती हूँ, ड्राई हो गया तो ठीक है, इसको चेंज करना पड़ेगा। सो मैं चाय पीऊंगी, माय गॉड चाय पी देती हूँ, उसके बाद फिर किचन जाऊंगी। और किचन में आज बहुत ज्यादा काम नहीं है, थोड़ा बहुत काम है करके खत्म कर दूंगी, क्योंकि ना
अगर नहीं करूंगी ना तो मैं किचन में लगी रह जाऊंगी। इसे जल्दी से फटाफट मुझे किचन का काम खत्म करना है और यहाँ बेडरूम क्लीन करना है मुझे, क्योंकि आज मैं डे टाइम में ना बेडरूम बिल्कुल ही मतलब बेडरूम के लिए ना मुझे टाइम ही नहीं मिला कि क्लीन करूँ, तो वो ऐसे ही पड़ा है। तो बेडरूम क्लीन करूंगी, उसके बाद कुछ काम करूंगी। तो पहले किचन का काम, फिर बेडरूम का काम। चाय ठंडी हो गई थी यार, मजा नहीं आया। तो गाइस मेरी चाय हो गई खत्म, अब मुझे जाना है किचन। मैं अपने बालों को देख रही हूँ, संवार रही हूँ और ये ड्राई हो गया। सो गाइस मेरी चाय हो गई है खत्म और ये यही रखा हुआ है। ये ना मेरा जो ये क्या बोलते हैं इसको, बैंगल्स, ये टूट गया था रात में, ये यही पड़ा हुआ है। तो खूबसूरत था ना ये जो बैंगल होता है ना, ये क्या बोलते हैं लाख होता है ना, लाख का बना होता है, ये हाथ का बना हुआ है और बहुत जल्दी खराब होता है, मतलब बहुत जल्दी टूट जाता है। ये टूट गया रात में और मैं इसको यही रखी और ये अभी तक यही पड़ा हुआ है। ऐसी तुम मिली हो, ऐसी तुम मिली, और ये देखो मेरा क्या बोलते हैं उसको, ये इतना ही रह गया। मैं वाश नहीं करी हुई ना, कहीं कहीं लग गया है ये, क्योंकि इसको ना वाश नहीं किया जाता है, वाश तो नहीं करी हूँ। बट चाय जब ठंडी हो जाती है ना तो पीने का मजा ही नहीं रह जाता है एकदम। चलिए बहुत सारा किचन काम है कर देते हैं, उसके बाद बातें करेंगे, फिर सब काम खत्म करने के बाद बातें होगी। किचन में पूरा फैला हुआ है, चलिए मैं इसको समेटती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से बातें करूंगी, क्योंकि आप लोगों से बातें करूंगी ना तो मैं किचन समेट नहीं पाऊंगी, इसलिए पहले किचन समेट लेती हूँ फिर बातें करती हूँ। सो गाइस मैं किचन भी क्लीन कर दी, डिनर भी बन गया, डिनर कर भी ली हूँ और अभी मुझे क्रेविंग हो रही है स्वीट्स खाने की, तो मैं ये रसगुल्ला को अनपैक करूँगी और अभी मैं इसको वॉश करूँगी, देखते रहे क्या क्या करती हूँ, उसके बाद फिर ड्राई करूँगी। मतलब मेरी ये अच्छी हैबिट है कि गंदी हैबिट है मुझे खुद पता नहीं चलता है, बट कुछ भी मैं अगर बाहर से जाती हूँ तो उसको वॉश किए बिना मैं यूज़ ही नहीं कर सकती, चाहे वो पैकेट में बंद हो चाहे पैकेट के बाहर हो। तो किस किस को आप लोग में से रसगुल्ला अच्छा लगता है और किस किस को रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जिसको अच्छा लगता है वो खाने के लिए आ जाइए। और रसगुल्ला खाने के बाद मैं जाऊंगी बेड क्लीन करने, क्योंकि अभी तक मेरा बेड जैसे का तैसे गंदा पड़ा हुआ है, ये देखिए मेरे पीछे में बेड कितना गंदा पड़ा हुआ है। तो अब मैं बेड क्लीन करूंगी और इसके बाद सो जाऊंगी। सो गाइस चलिए मैं इस ब्लॉग को अब यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।